फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्वाविक मॉमी स्टूडियो। और अब रात हो चुकी है और टाइम हो रहा है 7:15। आज मैं इतनी लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और जस्ट अभी सारे कपड़े जो धोए थे वो सूख गए, उन्हें उतार के लाई हूँ। अभी और भी है बाहर, वो भी उतार के लाने हैं, तो इन्हें मैं यहाँ पे रख देती हूँ। आज इतनी लेट व्लॉग मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह इतना सारा काम होता है ना, मंडे को तो आप जानते ही हैं इतने सारे कपड़े हो जाते हैं सैटरडे संडे के, और वैसे भी सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो मंडे को उस वर्किंग रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सारा काम करते कराते मैं इतना ज्यादा थक गई थी। कल जो हम सामान लेके आए थे वो भी सारा सैनिटाइज किया, तो उन सबको करते करते मैं इतना थक गई थी कि दोपहर में मैं फिर 3 बजे लेट गई और सो गई, और फिर मेरी आंख खुली है 5:30 बजे। और स्वाविक तो अभी तक सो रहा है, वो तो उठा ही नहीं है तब से, तो उसे भी उठाना है। चाय मैंने पी ली है, अभी फटाफट से ये कपड़े उतार के यहाँ पे रखूंगी और फिर किचन का देखूंगी कि आज किचन में क्या करना है। अच्छा बनाना भी है आज, तो वो भी आपके साथ शेयर करना है। तो फटाफट से ये सूखे वाले कपड़े ले आती हूँ अंदर और फिर स्वाविक को उठाती हूँ और फिर किचन में लगती हूँ। देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो मैंने आज धोए हैं, और अभी मैंने इन्हें फोल्ड भी करना है, फोल्ड करके जगह पे भी रखना है, प्रेस वाले अलग करने हैं, वो प्रेस वाले पे या को दूंगी। स्किटल्स स्किटल्स तो इतनी सारी सौवे की पहले से रखी हैं। देनी पड़ेगी। I love you. और मम्मी के लिए मिठाई। मम्मी के लिए मिठाई, पापा के लिए मिठाई। Thank you.
वंस अगेन। और मैं मंडे का व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो ये जो व्लॉग आपको मिल रहा है वो मंडे और ट्यूसडे का दोनों का कंबाइंड है, क्योंकि जब स्वामी के पापा आए थे और स्वामी को सरप्राइज वगैरह दे रहे थे, उसके बाद वो फ्रेशन अप होने गए, चाय वाय पीने ही बैठे थे, तभी पापा का फोन आया, यानी कि स्वामी के दादाजी का फोन आया कि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो हमने रात में तो उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं किया था, मॉर्निंग में उन्हें हॉस्पिटलाइज किया है क्योंकि थोड़ी सी स्टेबल थी रात में तो, लेकिन मॉर्निंग में हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, इनफैक्ट फिर हम लोगों ने डिनर भी कुछ ऐसा नहीं बनाया जो कि मैं सोच रही थी, हमने हल्का फुल्का ही डिनर बना के खा लिया, क्योंकि कब जब घर में कोई बीमार होता है ना तो फिर मन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि फिर अब कुछ करने का मन ही नहीं करता। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सुबह से भी घर में कुछ नहीं बना है, बस सुबह स्वामी के पापा दो पराठे खा के गए थे, वो भी इसलिए दे दिए थे कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे। और हॉस्पिटल में तो आप जानते हो कि महाराष्ट्र में फिर से कोरोना के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर बाहर वहाँ पे खाएं इधर उधर से तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए मैंने उनको पराठे बना के दे दिए थे सुबह मॉर्निंग में कि आप खा के चले जाओ, फिर भूख नहीं लगेगी, नहीं तो फिर इधर उधर से खाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा सेफ नहीं है। और अभी शाम के 5 बज गए हैं और सुबह 9 बजे स्वामी के पापा चले गए थे और अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। अभी मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले मैसेज किया था तो वो कह रहे थे कि हाँ अभी थोड़ी देर में वहां से निकलेंगे और फिर घर आके अपना शावर वगैरह लेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना जरूरी है और घर पे प्रिकॉशंस भी पूरे लेने पड़ेंगे। स्वामी छोटा है अभी, इसलिए हम उसे ज्यादा रिस्क में नहीं ला सकते हैं, तो आके वो शावर वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। आई डोंट नो कि उन्होंने वहाँ पे कुछ खाया है या नहीं खाया है, तो अभी सोच रही हूँ कुछ स्नैक्स वगैरह थोड़ा सा बना लूँ और उसके बाद डिनर बनाऊंगी। तो कुछ खास तो नहीं बनाऊंगी, सिंपल सिंपल डिनर बनाऊंगी, क्योंकि ना तो उनका कुछ भारी भरकम खाने का मन होगा और ना ही मैं उनको अभी कुछ ऐसा उलट पुलट देना चाहती हूँ जिससे कि उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट हो। तो घर का देसी खाना बनाऊंगी और बस वो आ जाए, फिर मैं चाय बनाऊंगी। तब तक मैं थोड़े से घर के काम है वो निपटा लेती हूँ। तो जस्ट अभी अभी स्वामी के पापा हॉस्पिटल से आए और वो शावर लेने गए हैं, तुरंत से सारे कपड़े वपड़े मैंने वॉशिंग के लिए लगा दिए और वो शावर लेने गए। तो जब तक वो शावर लेके आते हैं मैं फटाफट से कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए, शाम का पोहा बना लेती हूँ, फटाफट बन भी जाएगा और थोड़ा सा पेट भी भर जाएगा, उसके बाद डिनर बनाऊंगी। तो चाय और पोहा बना रही हूँ फटाफट। तो बस अभी पापा खाना खा के गए हैं और स्वामी के पापा ने भी खाना खा लिया, डिनर कर लिया है और अब मैं अपना डिनर लेके बैठी हूँ, स्वामी को खिलाऊंगी, खुद डिनर करूंगी। बिल्कुल सादा सा खाना बनाया, जैसे आपने देखा अरहर की दाल, करेली की सब्जी और चटनी है और रोटी और चावल बनाया है।
उसके अलावा कुछ नहीं बनाया, बिल्कुल सादा सादा खाना बनाया मैंने आज। तो अब स्वाभी को मैं डिनर करेंगे और उसके बाद रसोई साफ करनी है। तो व्लॉग मैं आज का यहीं एंड करती हूँ, आपको कल मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।